हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं किरण। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल और इजी सा DIY लेकर के आई हूं, जिससे आप अपने स्किन के कलर को निखार सकते हो। दोस्तों, ये वाला नुस्खा आप महीने भर करके देखिए, आपकी स्किन का कलर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। अगर आपके स्किन में किसी भी तरीके का दाग धब्बे है, कालापन है, अक्सर आँखों के नीचे काली झाइयाँ हो जाती है, तो दोस्तों वो सभी के सभी गायब हो जाएगा इस नुस्खा से। बहुत ही सिंपल और ईजी सा है। तो इसके लिए आपको लेना है एक आलू। आलू दोस्तों भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, और ये जो है हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हमारे स्किन के डार्क सर्कल्स को हटा देता है, हमारे स्किन के कालापन काली झाइयों को हटाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों। उसके साथ साथ ही आलू में पाया जाता है भरपूर मात्रा में आयरन, जो हमारे स्किन के पिगमेंटेशंस वगैरह को दूर करता है, रिंकल्स को कम करता है दोस्तों, पिंपल्स को कम करता है। मतलब ऑल इन ऑल आलू के बहुत सारा बेनिफिट्स होते हैं हमारे स्किन के लिए। तो आपको लेना है एक आलू। आलू को आपको काफ़ी अच्छे से कद्दूकस कर लेना है दोस्तों। इसको यहाँ पे मैं कद्दूकस करके ले रही हूँ, आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। फाइनली इसका जो हमें जूस निकालना है, तो जूस आप किसी भी तरीके से निकालो जो कि आज के DIY में इस्तेमाल होने वाला है। वैसे दोस्तों, आपको आलू को बिना किसी DIY के भी इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी स्किन पर रब करते रहना चाहिए। आपकी स्किन का कलर बहुत ही जल्दी लाइट करता है दोस्तों। हमारे स्किन में जो आयरन होता है ना, ये आलू में जो आयरन होता है ना, हमारे स्किन के कलर को बहुत ही जल्दी निखारने में हेल्प करता है। आयरन की वजह से देखना कि आलू का कलर बहुत ही जल्दी चेंज होता है, जो कि हमारे स्किन पे जाकर के चेंज कर देता है, हमारे स्किन के कलर को लाइट कर देता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं, कद्दूकस करके मैंने आलू के रस को, आलू के जूस को निकाल लिया हुआ है। और ये जो आलू बचा है ना, इसको आप फेंके नहीं, स्क्रबर के रूप में आप अपने फेस पे इससे स्क्रब कर लीजिए, और आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये वाला। तो इसको बिल्कुल भी फेंके नहीं आप, स्क्रबर के रूप में आप कोई भी और भी फेस पैक वगैरह बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली सामग्री जो लेनी है फ्रेंड्स, ये हमारा है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन को थोड़ी सी ठंडक भी देती है। मुल्तानी मिट्टी की जो तासीर होती है ना, वो ठंडक होती है दोस्तों। तो हमारे स्किन के, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों के होता है स्किन जो अंदर से गर्म होता है, उसकी वजह से उसके फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अगर आप मुल्तानी मिट्टी से आप अपने फेस को धोते हो, अपने फेस पैक लगाते हो, तो मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन को जो है अंदर से जो है ठंडा देगा, और उससे हमारे स्किन में किस तरह का कोई भी पिंपल्स वगैरह निकलेगा नहीं दोस्तों। बहुत सारे लोग की जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जिससे उसके फेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है गर्मी की वजह से। तो बहुत सारे लोगों की ऑयली स्किन होती है, तो दोस्तों ऑयली स्किन के लिए ये वाला DIY बहुत ही अच्छा है। आपकी स्किन से अंदर से ऑयल निकाल करके आपकी स्किन को बिल्कुल ऑयल फ्री बनाएगा, और आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगली सामग्री मैं ले रही हूँ चंदन पाउडर, सैंडलवुड पाउडर। दोस्तों, सैंडलवुड पाउडर की भी तासीर बहुत ही अच्छी ठंडक वाली होती है, ठंडक प्रदान करता है, यानी आपके फेस को एकदम कूलिंग वाला इफेक्ट प्रदान करेगा, जिससे आपके स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है गर्मी की वजह से, पिंपल्स वगैरह, दाने हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, वो सभी के सभी कम हो जाएगा, और आपका स्किन एकदम खूबसूरत, जवान और सुंदर दिखेगा। चंदन हमारी स्किन को साफ करता है, हमारी स्किन को खूबसूरत बनाता है दोस्तों, हमारी स्किन के कलर को लाइट करता है। अगली सामग्री आपको लेनी है, ये हमारा है नींबू, नींबू का रस। दोस्तों, नींबू में पाया जाता है विटामिन सी, जो कि हमारे स्किन के कलर को लाइट करता है। नेचुरल ब्लीच की प्रॉपर्टीज होती है नींबू में, विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारे स्किन के कलर को ब्राइट करने में, लाइट करने में, पिंपल्स, रिंकल्स, कालापन दूर करने में दोस्तों नींबू का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दोस्तों नींबू, ये तो थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर आपको नींबू से प्रॉब्लम है तो आप इसकी जगह गुलाब जल का इस्तेमाल कीजिए। गुलाब जल भी हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको एक बहुत ही बढ़िया सा फेस पैक रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वाला दोस्तों। इस वाले फेस पैक को अगर आप लगाते हो ना, तो मार्केट के सभी फेस पैक फेल हो जाएंगे इसके सामने। पार्लर में जाने पे कितने सारे महंगे महंगे लोग फेस पैक हमारे फेस पे लगाते हैं, मतलब उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इस फेस पैक को लगा लेना है अपने स्किन में। 15 से 20 मिनट तक अपने स्किन पे इसको लगा रहने दे दोस्तों, और जैसे 15 से 20 मिनट हो जाए, आपको इसको काफ़ी अच्छे से जो है हल्के हाथों से, आपको चाहे तो मसाज भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल वाटर से इसको वॉश करके कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली वॉश कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हल्के हल्के हाथों से उसको मसाज कर ले। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लिया है,
और उसके बाद आपको अपनी स्किन पे कोई भी मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं। मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं तो मैंने इसका बहुत ही अच्छा DIY भी बनाया हुआ है कि आफ्टर फेस पैक के बाद आपको किस तरीके का मॉइस्चराइजर लोशन इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने घर का बना हुआ होममेड बनाया हुआ दोस्तों, ये हमारी स्किन को टाइट करके रखेगा, हमारी स्किन को लाइट और ब्राइट होने देगा और हमारा स्किन बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हो जाएगा। सभी वीडियोज़ ज़रूर देखें मेरे चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।